इतने सालों से 20-25 साल से यहाँ 50 साल से स्टैंड है, आज नया आया नहीं है। अब आप कहिएगा आइए कि आप लोग भागी है, किसी को घर में से निकालिएगा तो उसको बना कर दीजिएगा ना। पुलिस चाहिए इसमें कि 2000 को फाइन कटती है, 500 को रसीद दे देते हैं, 2000 रख लेते हैं, 1500 रख लेते हैं, ऑनलाइन झूठ मूठ के मोबाइल पे दिखाते हैं कि काट दिए। क्या है कि यहाँ से हम लोग को ऑटो स्टैंड हटाया जा रहा है GPO गोलम्बर से, तो इतना 500 गाड़ी कहाँ लगेगा, सरकार हम लोग को व्यवस्था दे। अच्छा तो अभी तत्काल में हम लोग के तो ऑर्डर मिला कि यहाँ से खाली करना था, खाली कर तो दे ना, लेकिन हम लोग इतना गाड़ी कहाँ जाएगा, स्टेशन पर जाएगा नहीं, 11000 टेम्पू है, कहाँ हम लोग जाएंगे, हम लोग कहीं रहने का व्यवस्था दे देंगे ना, जो हम लोग का स्थाई मिला हुआ स्टैंड आज से नहीं, कितने सालों से हम लोग इसके नीचे हैं, अब हटाएंगे तो आकर एक बैग तो हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग को कहीं स्थाई जगह चाहिए ना। हम लोग इतना पैसा 4 लाख रुपया लगा के लोन भरकर गाड़ी गरीब आदमी लेकर चला रहा है, आप इतना हजारों हजार आदमी को हटाएंगे तो कहाँ जाएगा, कहाँ से MI भरेगा, किस्ती कहाँ से देगा। ग्राफ बनाया टेम्पू स्टैंड के लिए, ग्राफ कुछ नहीं बनाया, आगे जो आबादी उबादी बढ़ेगा, गाड़ी बढ़ेगा तो टेम्पू हम कहाँ जाएगा, क्या देखिए 10-12 को डेली पकड़ रहा है, तो 20 रुपया एजेंटी हम लोग से लेंगे, हम लोग लेंगे देंगे क्या भैया, तब एजेंसी लेगा तो 20-20 रुपये हम लोग भी देंगे, कह दीजिए सरकार लेगा पैसा। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं एक News 24। इस वक्त हम मौजूद है GPO गोलम्बर के पास और यहाँ पर हमारे साथ कुछ ऑटो ड्राइवर्स हैं जो कि हमेशा की तरह बहुत खासा नाराज़ दिख रहे हैं, तो उनकी नाराज़गी का कारण जानते हैं सबसे पहले, तो समस्या क्या आप पहले ये बताइए। समस्या है कि यहाँ से हम लोग को ऑटो स्टैंड हटाया जा रहा है GPO गोलम्बर से, तो इतना 500 गाड़ी कहाँ लगेगा, सरकार हम लोग को व्यवस्था दे। उसके बाद हटाने का कोई एक कारण उन्होंने बताया कि इस कारण से हटा, हम लोग को नहीं बताया गया है और हटाने का प्लान बना दिया, यहाँ पर सब पुलिस कैंप बन रहा है, जगह नहीं है, कहाँ लगाएंगे हम लोग ऑटो। अच्छा, ऑटो स्टैंड को घेर भी दिया गया है, उसके पीछे का क्या कारण था। उसके पीछे का कारण तो वही लोग बता सकते हैं, क्या है वही बता सकते ना, है नेता जो है उन्हीं का लिखित में है, जो लिखित जो DM जो लिखित दिन है स्टैंड के वही है, नेताजी रहेंगे तो मृत्युजाली वही बता सकते हैं। अच्छा तो अभी तत्काल में हम लोग के तो ऑर्डर मिला है कि यहाँ से खाली करना था, खाली कर तो देंगे, तो लेकिन हम लोग इतना गाड़ी कहाँ जाएगा, स्टेशन पर जाएगा नहीं, हम लोग तो बेरोजगार हो जाएंगे, हजारों हजार टेम्पू है, कहाँ हम लोग जाएंगे, हम लोग कहीं रहने का व्यवस्था दे देंगे ना, जो हम लोग का स्थाई मिला हुआ स्टैंड आज से नहीं, कितने सालों से हम लोग इसके नीचे हैं, अब हटाएंगे तो आकर एक बैग तो हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग को कहीं स्थाई जगह चाहिए ना। हम लोग इतना पैसा 4 लाख रुपया लगा के लोन भरकर गाड़ी गरीब आदमी लेकर चला रहा है, आप इतना हजारों हजार आदमी को हटाएंगे तो कहाँ जाएगा, कहाँ से MI भरेगा, किस्ती कहाँ से देगा। यहाँ आज नया स्टैंड नहीं है कि हम लोग आए यहाँ नया है, कितने सालों से 20-25 साल से यहाँ 50 साल से स्टैंड है, आज नया आया नहीं है, अब आप कहिएगा आइए कि आप लोग भागी है, किसी को घर में से निकालिएगा तो उसको बना कर दीजिएगा ना। अच्छा, पिछले कुछ दिनों से लगातार आप लोगों पर जो डाला जा रहा है वो, जैसे कि लिमिटेड कस्टमर का भी एक आया था, लिमिटेड बैठाने वाला कि 3 से ज़्यादा आप नहीं बैठा सकते, वो इधर भी लागू हुआ था ना। अभी तो नहीं हुआ, खाली सुने हैं कि 3 ही बैठाना है, तो उसके अलावा पैसेंजर पर बैठाने पर जितने पैसेंजर रहेंगे फालतू उस पर फाइन लगेगा, तो आखिर किलोमीटर या कुछ कर देंगे तो हम लोग 3 पैसेंजर बैठाएंगे, 3 पैसेंजर बैठाने में हम लोग 3 पैसेंजर बिठाना है। स्टिकर आप लोगों का हटा दिया गया है। और साथ में चालान जो कटता है उसकी भी एक आप लोग की तरफ से कंप्लेन आती है कि 500 का अगर चालान रहेगा तो उसका 2000 काटा जाता है और रसीद बस 500 की दी जाती है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है। पूरी सच्चाई है, प्रशासन लोग पैसा ले लेते हैं, फाइन 2500 का रसीद दे देते हैं, 1500 अपने पॉकेट में रख लेते हैं, पूरी सच्चाई है इसमें, 2000 को फाइन कटती है, 500 को रसीद दे देते हैं, 2000 रख लेते हैं, 1500 रख लेते हैं, ऑनलाइन झूठ मूठ के मोबाइल पे दिखाते हैं कि काट दिए, फिर चलान कट गया 2000 का, 500 का रसीद देते हैं, 1500 कहाँ जाता है। अच्छा, यहाँ जो ऑटो स्टैंड रोड पर लगती है वो तो मजबूरी में लगती है ऑटो स्टैंड, तो उसकी भी चालान काट ली जाती है। हाँ, उधर पैसेंजर उतारने पर देखिए वहाँ पकड़ रहे हैं, हम लोग पैसेंजर कहाँ उतारेंगे, अगर उधर से आते हैं सर तो पैसेंजर हम लोग किनारे रोड पे उतारेंगे ना, कहीं तो घर पे नहीं, वहाँ पैसेंजर उतारने पे आते हैं वहाँ से पकड़ लेते हैं, उसके बाद 2500 पैसा दो तब छूटते हैं गाड़ी, नहीं तो थाना ले जाओ। आप उन्हें ये नहीं कहते हैं कि आप पहले स्टैंड दीजिए। ये चीज़ तो हम लोग को बोला गया है हम लोग का ड्राइवर की तरफ से कि हम लोग को यहाँ पे रह रहे हैं शुरू से आज तक नहीं, हम लोग कुछ उम्र से हो गया तो मानते हैं, यहाँ से हम लोग गाड़ी चला रहे हैं, एक बैग आइएगा आप कहिएगा हट जाइए तो हटना तो मुश्किल बात है।
इसके लिए हाँ यहाँ से हमको हटा रहे हैं तो यहाँ का व्यवस्था आप दीजिए कि हमको इतना 1000 गाड़ी है, 1500 गाड़ी है, इसको गाड़ी को लगाना है दोनों, वहाँ से हम पैसेंजर को उठाएंगे या लेके जाएंगे। रोड में तो रहेगा, रोड में तो पैसेंजर है नहीं कि इतना गाड़ी रोड पर चलेगा तो रोडवे जाम हो जाएंगे जितना गाड़ी है भैया। अच्छा, जो मुसीबतें आती है और आप लोग धरना देने की जो सोचते हैं तो उसे यात्रियों को भी तो तकलीफ होगी, जो यात्री हैं जो पैसेंजर्स हैं उनको भी तो तकलीफ होगी धरना आप लोग के देने से, धरना देने से। हाँ, बहुत तकलीफ होगी, पैसेंजर कैसे जाएंगे, ऑटो हम लोग बंद कर देंगे तो जाएंगे नहीं, कैसे जाएंगे सवारी, बहुत तकलीफ होगी उनको। वहाँ के स्टैंड वाला टेम्पो ड्राइवर कहाँ कहाँ कर रहा है, काले मनाज है टाटा पार्क वाला, पैसेंजर का दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, घेराव का कारण मेट्रो बताया जा रहा है, आपको पता है ये बात? मेट्रो तो जीपीओ से तो कोई लेना देना नहीं है, वही बात है कि बताया जा रहा है मेट्रो के कारण से घेराव किया गया है ऐसा कुछ, लेकिन मेट्रो खातिर ग्राफ बनाया, टेम्पू स्टैंड के लिए ग्राफ कुछ नहीं बनाया, आगे जो आबादी उबादी बढ़ेगा, गाड़ी बढ़ेगा तो टेम्पू हम कहाँ जाएगा, क्या देखिए 10-12 को डेली पकड़ रहा है। एंड है यहाँ तो मेट्रो के लिए नहीं है, इसको अगर मान लिया कि आपको जैसे इसको लग रहा है तो 20 रुपये एजेंसी हम लोग से लेंगे, हम लोग लेंगे देंगे क्या भैया, तब एजेंसी लेगा तो 20-20 रुपये हम लोग भी देंगे, दे दीजिए सरकार लेगा पैसा। अच्छा, आप लोगों की कोई मीटिंग हुई है इस बात को लेकर? मीटिंग अभी नहीं हुआ, अभी जो नेता जी है हम लोग के वो अभी नहीं कुछ बोली ना, खाली कहें कि अभी रहिए आप लोग, भैया होगा उस दिन देखा जाए। हम लोग के नेता जी बोले हैं कि अब स्टैंड खाली करना नहीं है, कोई भी कीमत पे स्टैंड नहीं खाली होगी, हम लोग को जगह मिलेगा तो हम लोग खाली करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। हाँ, ऐसी बात है, वही जाएंगे हम लोग कहाँ, जहाँ जगह देगी तो हम लोग खाली करेंगे, नहीं तो जो सरकार को करना है करे, हम लोग को जो बुझाएगा हम लोग करेंगे, हम लोग के नेता आदेश देंगे, उसके बाद जो होगा दिक्कत नहीं है। हम लोग भी लेकिन रोड के हट के दोनों रोड के बीच में स्टैंड है, यहाँ किसी का दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ का सरकार जानबूझ के भी हटा रहे हैं, सारा गाड़ी इंस्टॉलमेंट वाला है समझे, आदमी कैसे कैसे करके चला रहा है हम ही लोग ये सब जान रहे हैं। तीन पैसेंजर वाला जो नियम है, तीन पैसेंजर वाला नियम है तो मीटर सिस्टम कर देना है, तीन को पूरा एक ही आदमी पैसा दे दे, एक को बैठे चाहे तीन को बैठे क्या फर्क पड़ता है, मीटर सिस्टम भाड़ा बढ़ाएंगे तो कोई बैठबे नहीं करेगा, सरकार के को नियम कर दे, एक आदमी 30 रुपया देगा, आदमी 90 रुपये में स्टेशन तक आएगा, यहाँ तक आएगा, कहे लगे 5 को ऐसे ऐसे करके हम लोग चलाएंगे, एक को में 90 रुपये आ जाएगा 3 को में, तो क्या दिक्कत है कि नहीं भैया? सारा कानून टेम्पू वाले के ही लिए है, बस के लिए नहीं है। देखिए तो अभी वहाँ बस वाला कैसे लगा हुआ है, टेम्पू वाले के लिए हर चीज़ कानून बना गया है, तो हम लोग का कोई सुविधा नहीं मिलता, हम लोग टैक्स देते हैं, हम लोग हर चीज़ का टैक्स देते हैं, लाइसेंस से लेकर पेपर तक का, लेकिन हम लोग का भी नीतीश बाबू से अनुरोध है कि हम लोग पे ज़्यादा ध्यान दें। तो जैसा कि आपने देखा कि इस वक्त हम मौजूद थे जीपीओ गोलंबर के पास, और यहाँ पर हमने साफ तौर पर जाना कि ऑटो ड्राइवर्स की दिक्कत क्या है, जो लगातार कुछ दिनों से स्टिकर की हो या फिर चालान को लेकर एक बात सामने आती है कि इनका हमेशा से ये कंप्लेन रहता है कि चालान अगर 500 का होगा तो उसके बदले 2000 का काट लिया जाता है, और उसके साथ साथ प्रशासन की ओर से बहुत सारी ऐसे दबाव भी हम पर डाले जाते हैं। साथ में हमने बात की कि घेराव का कारण क्या है और क्यों ऑटो स्टैंड को घेरा जा रहा है, अगर ऑटो स्टैंड छोटा है उसमें कैपेसिटी जितनी ऑटो की है उतनी ही ऑटो लगनी चाहिए और परमिट भी उतने ही का मिलना चाहिए। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें 24। मैं नंदन, कैमरामैन पिंटू के साथ, धन्यवाद।